बात हुए। मनोज जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए, प्लीज तुम्हें मंच पर आओ। जोरदार तालियों से हम मंच पर आमंत्रित करेंगे मनोज बाजपेयी जी को। थैंक यू। आणि या चित्रपटाचे प्रोड्यूसर सर आणि डिरेक्टर त्यांना मी निवेदन करणार की त्यांनी इथे यायचंय। आणि लेट्स फेलिसिटेट, लेट्स वेलकम मनोज बाजपेयी जी। हैट्रिक आज पूरी हो रही है जब आपके फिल्म के साथ इन्होंने साथ निभाया। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आशीष जी, मैं चाहूंगा कि प्लीज अपने मोबाइल नीचे रखे, पीछे मीडिया के लोग हैं, त्यांना ही प्लीज कवर करू द्या। थैंक यू फ्रेंड्स। सर, आपने देखा इस फिल्म के पीछे जो एक थॉट प्रोसेस था वो क्या था, उसके बाद यहाँ पर ट्रेलर लॉन्च भी आपने देखा, बच्चों की बातें भी सुनी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि सैनिकों और उनके परिवार के त्याग पर जितनी भी बातें की जाए और या सिनेमा बनाया जाए, पेंटिंग की जाए, वो सब कम उनके त्याग के सामने। और जितने भी फिल्मकार, कहानीकार कहानी लिखते हैं, फिल्में बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं सैनिकों की जिंदगी से, उनके त्याग से बहुत ज्यादा भाव विवल होते हैं, उनके दिल को जो बातें छूती हैं, तभी जाकर के उस इमोशन को वो पर्दे पे लेके आते हैं। लेकिन अंत में बात वही आती है कि सिनेमा अगर अच्छा है तो जो ये इमोशन आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं बहुत अच्छे ढंग से पहुंचता है। और मैं जानता हूं कि पांडुरंग जी और आशीष जी की और उनके सारी टीम की, उन बच्चों की बातें मैं सुन रहा था, ये सब इन लोगों की जो मेहनत है वो रंग लेके आएगी और सैनिकों का जीवन का एक जो पक्ष है वो लोगों के सामने आएगा। और इसी तरीके से हम उनके समर्पण को, उनके त्याग को एक सही ढंग से हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो इसके लिए पांडुरंग जी को बहुत बहुत बधाई और पूरी टीम को बहुत सारी बधाई। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आपकी ये फिल्म बहुत जोरदार हो, सफल हो और सफलता के नए शिखर को छुए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन मेरे बगल में जो आदमी बैठा है नागेश भोसले, तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। कभी कभी दोस्तों को देख के लगता है कि हमारी भी उम्र हो गई। नहीं सर, आपसे कई सालों पहले मिले थे, बिल्कुल वैसे ही लगता सर, सत्या की ही याद दिलाते हैं सर आप। बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपके हाथों से मैं चाहूंगा